हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको रिवायत किया। अल जामे व सगीर इमाम सुयूती उन्होंने इसको नकल फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैस मिन्नी इल्ला आलिमुन औ मुतअल्लिमुन, फरमाया मुझ में से वो बंदा नहीं है जो ना आलिम हो ना मुतअल्लिम हो। यानी आलिम भी मेरा है और मुतअल्लिम भी मेरा गुलाम है, लेकिन वो बंदा जो पढ़ने लिखने की दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाए और वो दीन सीखना छोड़ दे, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, फर्ज उलूम जिन्हें कहा जाता है वो उनसे दूर हो जाए और पढ़ने पढ़ाने से उसका कोई ताल्लुक न रहे और बिल्कुल दुनियादार बन जाए, तो फरमाया लैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। तो इससे ये पता चला, गोया सरकार फरमा रहे हैं जहां भी रहो, ताजिर हो, दुकानदार हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम सड़कों पे अपनी ड्यूटी देने वाले हो, कांस्टेबल हो, सपाही हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा कुछ वक्त दीन को सीखने के लिए ज़रूर होना चाहिए। चाहे कुरान का तर्जुमा पढ़ो, चाहे कुरान की तफसीर पढ़ो, चाहे तुम फ़र्ज उलूम हासिल करो कि ज़कात का मसला क्या है, रोज़े का मसला क्या है और दीन के मसाइल क्या हैं, ताकि तुम सरकार की उम्मत की उस खास छतरी के नीचे आ जाओ। सरकार ने फरमाया जो आलिम भी नहीं और जो मुतअल्लिम भी नहीं किसी न किसी हैसियत से, लैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। तो मुहम्मदी होने के लिए एक ये शर्त है कि इंसान दरसो तदरीस से, तालीम से किसी न किसी तरह से जुड़ा रहे। अब ये देखें, एक हदीस में सरकार ने बयान फरमा दिया अपनी रहमत के ज़रिए, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं तो आलम भी नहीं, मैं मुतअल्लिम भी नहीं, तो मैं इल्म से कैसे जुड़ सकता हूँ। सरकार ने चार मुख्तलिफ डायरेक्शन अता फरमाई। आपने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ शामियन लिल इल्म औ मुहिब्बन लहू फला तकुन अल खामिसत फतहलक। फरमाया चार बंदों में से हो जाओ, पांचवें ना बनना। कौन से चार बंदे? फरमाया या आलिम बन जाओ, और अगर आलिम नहीं बन सकते तो मुतअल्लिम बन जाओ, अगर मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते तो इल्म के लिसनर बन जाओ, सामे बन जाओ, अपने कारोबार पे बैठे हुए सुनते रहा करो कि उलमा क्या कह रहे, तुम्हें इल्म का फैज वहां भी पहुंचता रहेगा। और अगर इतना वक्त भी नहीं है, फरमाया मुहिब्बन लहुम, तो फिर अपने कारोबार में भी बैठे हुए इल्म पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह ताला फिर भी तुम्हें इल्म का फैजान अता फरमा देगा। तो ये पहली हदीस है, फरमाया लैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है जो इल्म के माहौल से ही दूर हो जाए।